पूरी तरीके से तैयार है। न सिर्फ वो चुनाव लड़ेगी, न सिर्फ वो अपने इनकी पोल खोलेगी, बल्कि गलियों में आम आवाम तक पहुंचेगी। और खास तौर से जो दो तबके जिनको इन्होंने जानबूझ के नजरअंदाज किया, जिनका वोट तो लिया लेकिन इन्होंने सारी ताकत बंदर बांट करके अपने आप पास रख ली, वो दो तबके हैं मुस्लिम और दलित। खास तौर से मैं आप लोगों की तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि दिल्ली में इन दोनों तबकों को पूरी तरीके से इन्होंने नजरअंदाज किया है। तो आज हमारे स्टेज पे जो मैं तारुफ भी करा दूं, जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अफ्फार साहब जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी और ट्रेजर हैं, और साइड में हमारे जनरल सेक्रेटरी मलिक नोमानी साहब है, और उनके साथ में बहुत ही जाना पहचाना जो अक्सर आप लोग टीवी पे देखते होंगे, आप मुशायरा भी पढ़ते हैं, एक बहुत ही दलितों के बहुत ही एक्टिव एक फार शख्सियत है राजीव व्यास साहब, वो भी इस बात की निशानी है कि आज हमारे साथ बहुत सारे दलित भाई, बहुत सारे गैर मुस्लिम भाई आज ज्वाइन भी करेंगे। और मैं आप लोगों का वक्त नहीं लूंगा, मगर मैं सिर्फ इतना बता दूं कि अब MIM पूरी तरह से क्यूब्ड है। दिल्ली MCD के जो इलेक्शन है वो हालिया कोई 6 से 8 महीने दूर है। इन 6 से 8 महीने में हमें तैयारी करनी है। दिल्ली की जो सीटें जहां दलित और मुस्लिम बाहुल है, जहां जिसको जीतने में हमें बहुत आसानी है, या हम पूरे और इलेक्शन को मुतासर न करें, उन सीटों को चुनकर हम इस बार इलेक्शन में आ रहे हैं। हमें आप लोगों का साथ चाहिए, खासतौर से मीडिया का साथ।